नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं फिलहाल आया हूं अवधपुरी, यानी कि जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था, उसकी यात्रा करने आया हूं, उसकी दर्शन करवाने के लिए आया हूं आप सभी को। तो उसी कड़ी में मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि इस जगह पर मैं जहां स्टे कर रहा हूं वो कैसा दिखता है, उसकी जानकारी क्या है। अगर आप आते हो यहाँ पे तो आप यहाँ पर रूम कैसे ले सकते हो, तो वो सभी चीज यहाँ दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुभारंभ करते हैं। जय जय श्री राम। तो इस होटल का बाहर का इंटीरियर कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है और सामने देखा हूँ तो मैं एक बार। फिलहाल मैं आया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और यहाँ से सीढ़ी आता है जो कि ऊपर जाता है यहाँ से, और ऐसा कुछ यहाँ नज़ारा है। बाकी ये वाला रूम हमारा है, यहाँ से 25 नंबर। तो चलिए आपको इसके अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। एंटर करते हैं यहाँ से, ऐसा कुछ रूम का ओवरव्यू है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे जय श्री राम पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दीवारों पे पूरा जय श्री राम यहाँ लिखा हुआ है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे साइड टेबल है जो कि यहाँ पे लगा हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है। और यहाँ पे एक सामान रखने के लिए यहाँ पे एक जगह बनाया गया जो कि बहुत बढ़िया है। बाकी इसका मैं प्राइस आपको बताऊँगा वीडियो में, तो आप वीडियो को अंदर देखिएगा। ये ऐसा कुछ है, इसका ओपन हो जाता है। बाकी यहाँ पे चेयर है जिसमें मैं अभी टॉवल सुखा रहा हूँ अपना मैं। और ऐसा कुछ ओवरव्यू है रूम का, ये रस्सी मैंने खुद ही बांधा है यहाँ पे कपड़ा सुखाने के लिए। जैसे कि आप देखिए सामने, देखिए यहाँ पे प्रभु श्री राम की बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे पेंटिंग लगाया गया जो कि एक नंबर रूप बया कर रहा है यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ पे कितना मस्त पेंटिंग है ना, एक नंबर है। इस पेंटिंग के लिए 1 लाख तो बनता है भाई। बाकी ऐसा कोई नज़ारा है इस, फिलहाल आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो रूम है इसका मैंने यूज कर लिया। यहाँ फिलहाल मैं अभी चेकआउट करने वाला हूँ, तो मैं सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पे चार्जिंग की व्यवस्था यहाँ मस्त वाला, एक यहाँ पे बोर्ड है एक उस तरफ बोर्ड है। बाकी बेड ऐसा कुछ है, देख पा रहे हैं आप, मतलब सही है, अच्छा है, मतलब उतना ख़राब नहीं कह सकते, बहुत ही बढ़िया है। और जो इसका प्राइस रेट है ना भाई, उस प्राइस रेट के अकॉर्डिंग तो बहुत ही बढ़िया है, एक नंबर है। अभी मैं फिलहाल इसका वॉशरूम भी दिखाऊंगा आपका कि वॉशरूम कैसा दिखता है, नीट एंड क्लीन है या नहीं। क्योंकि अगर हम पे कर रहे हैं तो भैया पीने के लिए पानी और वॉशरूम तो क्लीन मिलना ही चाहिए, है ना। तो उसी से बढ़िया होता है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, वॉशरूम भी दिखाऊंगा, लेकिन आप ऊपर भी देख लो एक बार। ऊपर का भी मतलब ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ का है, रूम का पूरा ओवरव्यू है ये रूम का, तो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिलहाल यहाँ पे पूरा कचरा फैला हुआ है क्योंकि अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से रूम छोड़ के। बाकी रूम भी फैला फैला भी है। अच्छा, चलिए मैं वॉशरूम दिखाई देता हूँ आपको मैं फिलहाल। तो ऐसा कुछ वॉशरूम है, ये भी काफ़ी क्लीन है। यहाँ पे इंग्लिश वाला सीट लगा हुआ है और ऐसा कुछ है। यहाँ पे मिरर आपको अंदर ही देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे वॉश बेसिन भी है, यहाँ पे बाल्टी है, शावर है, लेकिन इसका ये टूटा हुआ है। तो इसको फिलहाल बंद करते हैं। और सामने वॉच भी लगा हुआ है, 2 यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नज़ारा दिखता है भाई, काफ़ी अल्टीमेट है, थोड़ा सा ही दिखेगा लेकिन बढ़िया दिखेगा। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे पास में ही ना, यहाँ पे देखो यहाँ मंदिर है जो कि काफ़ी एक नंबर लग रहा है। यहाँ पे बंदर वंदर परेशान ना करे या फिर मच्छर उच्छर ना, इस वजह से यहाँ जाली लगा दिया है। लेकिन यहाँ देखो बाहर एक मंदिर है जो कि एक नंबर लग रहा है, यहाँ से देखने में काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा कैसा होने वाला है, क्या दिखता है बाहर, और बाहर का नज़ारा एटमॉस्फेयर कैसा वाला है, बढ़िया वाला है या नहीं है, तो सभी जानकारी आपको बाहर से देंगे। और चलिए आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ पर रूम जो अवेलेबल है वो दोनों है, एसी और नॉन एसी। फिलहाल मैंने जो बुक किया है वो है नॉन एसी वाला। और इसका प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है केवल 500 रुपया, और अगर एसी वाले की बात करें तो उसका प्राइस है केवल 1000 रुपये के आसपास है। यहाँ पर बुकिंग करने के लिए आपको अपना आईडी देना पड़ेगा जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी हो सकता है। तो यही कुछ है, बाकी अब चलते हैं आपको बाहर दिखाते हैं बाहर क्या दिखता है, वहाँ से नज़ारा कैसा होता है, वहाँ लैंडमार्क, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप किस लैंडमार्क पे आओगे ताकि आप ये होटल बुक कर सकते हो, तो वो आपको जानकारी बाहर से देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको जो कि एक बोनस टिप होगा कि आपके लिए थोड़ा सा और भी कम हो सकता है प्राइस, और 2-3 चीज़ और बताऊँगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फटाफट बाहर चलते हैं। तो इस होटल में आपको यहाँ पे आरओ वाटर की फैसिलिटी मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लांट लगा रखा है यहाँ पे आरओ वाटर सप्लाई के लिए। बाकी यहाँ से आप पानी भर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने कम प्राइस में यहाँ पे आपको आरओ वाटर की भी मिल रहा है, तो भाई ये तो बढ़िया है। तो गाइस अभी हम लोग इस होटल से बाहर निकल चुके हैं और इसको चेकआउट कर चुके हैं। बाकी अभी का प्लान मेरा ये है कि अभी जाएंगे हम वाल्मीकि आश्रम तरफ, यानी कि जो बड़े हनुमान जी मंदिर है उधर जाएंगे और उसका दर्शन करने वाले हैं। बाकी इसका लोकेशन देख सकते हो आप, ये वाला है, इधर तुलसी उद्यान है। बाकी काफ़ी मस्त लोकेशन यहाँ बाहर में जा रहा है, और ये ऐसा कुछ इसका बाहर का है। तो और ये वही मंदिर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि अगर आपका बजट यहाँ पे कम हो, अब फिर यहाँ पे आप कैसे रह सकते हो।
तो यहाँ पर भाई साहब धर्मशाला ढेरों पड़े पड़े हैं। यहाँ पे आपको 200 का भी मिल जाएगा, 150 का भी मिल जाएगा, 300 का मिल जाएगा और 3000 का भी मिल जाएगा। तो आपका जो भी बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रूम कंसीडर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इसके आसपास ही आपको कई सारे यहाँ भोजनालय देखने को मिल जाएगा और इसी कड़ी में यहाँ आपको बहुत सारे यहाँ पे होटल, धर्मशाला, लॉज जो है सब देखने को मिल जाएगा। तो एक पॉइंट आपका ये है कि अगर आपको यहाँ पे खाना फ्री में खाना है तो भैया यहाँ पे आप अमावा राम मंदिर जा सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री में खाना भी मिल जाएगा तो आप वहाँ खाना खा सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो यहाँ को लेकर के अयोध्या पूरे ट्रिप को लेकर, तो आप मुझे कमेंट ऑन करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर फिर भी कुछ डॉट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई दूंगा। तो चलिए आपको मिलते हैं आप नए कड़ी में, तब तक के लिए जय श्री राम।